हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से एक नया ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है दोस्तों। और आज बहुत ही धूप है। मेरा चैनल में नया हो तो बी रियल ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो भी प्रेस करके ऑल कर दो। जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ का सब्जी मार्केट देखो क्या ही नज़र आ है, वो भी देखो आपको ऑर्गेनिक सब्जी बहुत सारा मिल जाएंगे। और बहुत सारा ऐसा सब्जी दोस्तों वो ये आपका हो गया पत्ते वगैरह, वो कुछ सब्जी बेच रहे हो और चिकन वगैरह उस पर हमें आपको बेचने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये है मार्केट का नज़ारा और आप लोगों को मछली का मार्केट का नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस तरह आप लोग क्या हो गया मछली चिकन मटन जो भी यहाँ में मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही सस्ते दाम में। और आगे मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, जस्ट आप लोगों को लुकिंग दिखाने के लिए आया था दोस्तों। और आपको यहाँ में जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ का मार्केट का नज़ारा आप लोगों को दिखाया है। और मैं स्पेशली आप लोगों को क्या बोलता है बाज़ार दिन का नज़ारा आप लोगों को नहीं दिखा, ये दिल्ली बाज़ार है दोस्तों। और इस दिल्ली बाज़ार को हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लेके दोस्तों घर से और हम थोड़ी देर में और आप लोगों को दिखाने वाला है जो उस तरह का नज़ारा। और ज़्यादा हम आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा टाइम नहीं होने से कैसे आप लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के लिए। और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है, हम लोग का वहाँ में कार्बी आंगलोंग में जितना मिलता है ना, तो जो जो चीज़ कार्बी आंगलोंग में मिलता है वही चीज़ यहाँ में भी मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही आसानी से। और ये लॉन्ग बीन्स वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही, ये क्या है ये तो थोड़ा एलिफेंट का क्या बोलते हैं, एलिफेंट फ्रूट का क्या बोलते हैं। ये देखो वाटरमेलन ही वाटरमेलन, किमान किसी किमान किसी किमान हाँ जी। मुझे वीडियो करने के लिए मना कर रहे क्योंकि मालूम नहीं मुझे पहचानते नहीं ना, मैं यहाँ में ज़्यादा देर नहीं रहता हूँ ना, इसीलिए मैं ज़्यादा देर बाहर में रहता हूँ क्योंकि मैं कार्बी आंगलोंग में वहाँ में रहता हूँ ना। तो यहाँ में एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्पेशली आया था, तो वीडियो करने के लिए मुझे मना कर रहे। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं आगे का नज़र आप लोगों के लिए जारी करूँगा। हम कुछ ये क्या बोलता है इसको गंधक ना क्या बोलते हैं उसको लेने के लिए स्पेशली आया था हम। और यहाँ में देखो और यहाँ से लेके जाएंगे कुछ मसाला का दुकान में मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ में बेंगटोल बाज़ार, शायद मैं गलत नहीं तो इस बेंगटोल बाज़ार में आप लोगों को स्पेशली ये गंधक को आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और हम लोग का कार्बी आंगलोंग में ये मिलने के लिए बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, इसलिए यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ से ले लिया। तो दोस्तों फाइनली हम घर जाने का बुक आ गया मेरा और हम अभी घर जा रहे हैं। और जो भी लेना था मैं ले चुका हूँ, स्पेशली मैं यही लेने के लिए आया था। और इसका आपका पर किलो का इसका प्राइस होगा आपका 200 रुपीज़ बोल रहा है दोस्तों, तो मैं 50 रुपया का मांग के लेके आया। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं घर में जाके आप लोगों को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ का बस स्टैंड बेंगटोल, शायद बेंगटोल का ये बस स्टैंड होगा, यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से। और कुछ यहाँ से तकरीबन रेलवे स्टेशन शायद मैं गलत नहीं तो, और उस दिन हम गया था रात में, आप लोगों को नहीं दिखा सका और अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। तो यही है यहाँ का बस स्टैंड दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो को आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा मेरे ख्याल से, और जो स्किप करके नहीं दिखाए तो और पूरी मेरा वीडियो को
गया इस कला को, तो सबको थोड़ा समझ भी तो आया होगा। और मैं मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए तकलीफ हो गया था, और वीडियो में शूट कर रहा था उस टाइम में एक बोरो वेमेन मुझे बोला था वीडियो शूट मत करो। और मालूम है इतना सारा वाटरमेलन देख के हम वहाँ में गया था, और जस्ट हम उसका प्राइस पूछने के लिए गया था दोस्तों, और थोड़ा सा वीडियो शूट किया हुआ वहाँ में। मुझे लगता है दोस्तों वो बाहर से मतलब कुछ ब्लैक मार्केट होता है ना, ऐसा वाला साइट पर ब्लैक करके भेज रहा था मेरा ख्याल से, इसीलिए मुझे वीडियो करने के लिए मना किया था। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं भी कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, छोटा मोटा गलतियाँ या जो भी हो जाता है छोटा मोटा। तब और यूट्यूब जो लोग चैनल चलाता है छोटा हो या बड़ा हो यूट्यूबर, उसको तो मालूम ही है दोस्तों छोटा मोटा टक्कर तो आते रहता है, और इसको नज़र अंदाज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो को देख के बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल में नया हो तो बी रियल ब्लॉग ए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के लिए मुझे आप इजाजत जरूर दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह। तो सभी लोगों को गुड नाइट के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।